हे दोस्तों, आजकल मौसम काफी सुहाना हो रहा है वैसे, और मेरा बहुत ही ज्यादा पिज्जा खाने का मन कर रहा है। तो गाइस, आज मैंने शर्त लगाई है, जैक भैया, बॉब भैया और शिनचैन से, अगर ये तीनों को मैं हरा देता हूँ हाइड एंड सीक में, तो मुझे यार पिज्जा खाने को मिलेगा मस्त वाला, वो भी फ्री फंड का। ये तीनों मुझे पिज्जा खिलाएंगे। ओए, अगर तू हारता है ना नुबड़े कहीं के, ओए तू हम तीनों को पिज्जा खिलाएगा। ए भैया ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो गाइस, आज हाइड एंड सीक में बहुत ही दमदार चैलेंज है, पिज्जा चैलेंज, और मैं ही जीतूंगा। ओए ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा बनता है ना। ए भैया, हाइड एंड सीक का तो मैं प्रो लेवल का भैया। जाओ जल्दी सीकर हूँ। ओए सीकर है ना। हे दोस्तों, मैं 100 तक काउंट करूंगा, जब तक तुम लोग छुप जाना। ये गया मैं पेड़ के पास। स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5। अरे यार जैक भैया, मैं सबसे पहले जा रहा छुपने। ओए पिद्दी सिंचन, तुझे छुपने की जरूरत नहीं, तू पहले से ऑलरेडी इतना पिद्दी है, अबे कहीं भी घुस जा। अरे यार कैसी बात कर रही हो, मैं ऐसी जगह छुपूंगा कि योगी भैया मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या करूँ, क्यों ना मैं इसी पे ये डॉग हाउस में घुस जाऊँ क्या। नहीं, मैं इसमें तो फिट नहीं आ पाऊंगा। वैसे ये सीक्रेट कौन सा डोर है, अगर मैं इस डोर को खोल दूँ। ओए पापा जी, सिंचन तो गया, हम मेरी बच्ची आ गए। आज तो मुन्ना को मैं सबक सिखा के रहूंगा, उसको लगता हूँ हाइड एंड सीक का प्रो है। अबे सिंचन, वो क्या कर रहा है दरवाजे में। अरे यार चाओ जैक भैया, मैं कुछ जुगाड़ लगा रहा हूँ। ओए क्या जुगाड़ लगा रहा है। अबे वो दरवाजा नहीं खोलता नुबड़ा कहे का। आ मैं ऐसी जगह छुपूंगा, मुन्ना मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। चलो गाइस, मुझे पता है कहाँ पे छुपना है। ओए इधर नहीं, इधर से जम करता झाड़ के अंदर छुप जाता हूँ, अब मुन्ना मुझे यहाँ पे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वाह बहुत ही मस्त जगह पे आ गया मैं। अरे यार ये डोर को कैसे भी करके अगर मैं खोल दू तो इसके अंदर मैं छुप जाऊंगा। चलो ये लकड़ है, इस लकड़ से इसके अंदर घुसा के देखता हूँ, शायद से काम बन जाए। मजा ही आ जाएगा अगर ये डोर खुल गया तो। ये चलो ये ट्राई करते। अरे वाह, ये डोर तो लग रहा है जैसे खुल जाएगा वाकई में। इस डोर के पीछे है क्या। चलो ये छुपने की जगह बहुत ही बढ़िया है। इसके पीछे अगर मैं छुप जाऊँ तो बहुत ही मजा आ जाएगा, होगी भैया तो हार जाएंगे फिर। आओ डाकच के, ये दोनों तो छुप गए, अब तो काउंटिंग भी खत्म होने वाली है। मुझे पता कि मैं कहाँ छुपूंगा, इचके ऐसी जगह छुपूंगा और डॉगी को हरा के बहुत सारा पिज्जा खाऊंगा। आओ डाकच के, पेट भर के मजा आ जाएगा। वाव वाव, ये यहाँ कहाँ छुपूं, मुझे लगता है कि यहाँ पे ढाकच की गर्मी भी लगेगी और छुपने की जगह भी बढ़िया है। ये ढाकच की 98, 99 और ये 100। फाइनली मेरी 100 काउंटिंग पूरी हो गई और ये तीनों के तीनों नुबड़े लगता है छुप चुके होंगे। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि जैसे ही कि मैं हूँ हाइड एंड सीक का चैंपियन और मेरे से कोई नहीं छुप सकता है। सबसे पहले गाइस मैं छत पे देखने वाला हूँ, वैसे छत तो पूरी ऑल क्लियर है, यहाँ पे कोई नहीं छुपा है। अरे यार चलो गाइस, यार अभी नीचे चलते हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ऊपर से, और गैरेज तो लॉक पड़ा है, इसके अंदर कोई जाता था मुझे पता ही चल जाता, तो गैरेज भी क्लियर है। अब सबसे पहले मैं इस वाले फ्लोर को चेक करूंगा पूरी तरीके से। ये यहाँ पे कोई है क्या, ए यहाँ पे कोई छुपा तो नहीं है। कभी कल सोफे के पीछे यार सिंचन लेट जाता है, पता ही नहीं चलता वैसे भी। ओके गाइस, मुझे सोफा वगैरह चेक करना पड़ेगा, कहीं सिंचन टेबल उबल के नीचे तो नहीं छुप गया। लेकिन ये क्या, भैया मैंने तुम्हें पकड़ लिया डप्पा। आओ यक्का, मैं पकड़ा गया क्या। ए बॉब भैया तुम आउट होते हो इसी के साथ। ये गाइस, बॉब भैया का तो आउट कर दिया मैंने, लास्ट दो बंदे और बचे हैं, जैक भैया और सिंचन। जैक भैया और सिंचन यार इतने बड़े नूब नहीं कि ये सामने छुपे, मुझे लगता है कोई बढ़िया जगह छुपे होंगे। ए यार ये जगह भी खाली है। ओके गाइस, मुझे जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। ए सिंचन और जैक भैया आखिरकार कहाँ छुप सकते हैं, इधर तो नहीं मिले मुझे, ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं मिले। अब चलते गाइस ग्राउंड फ्लोर पे, मार चुके शायद से ग्राउंड फ्लोर पे हमें कोई मिल जाए। ओके ओके ओके, ग्राउंड फ्लोर भी खाली है। इधर भी नहीं कोई दिख रहा मुझे यार।
कहीं इसके पीछे तो नहीं छुप गया कोई जाके? गाइस मैं एक बार इधर ही चेक कर लेता हूँ, कहीं सिंचन इधर ही आया हो। ओके गाइस इधर भी कोई नहीं आया। अरे यार ये दोनों लगता है रूम में ही छुपे होंगे पक्का। मैंने बाहर तो चेक कर लिया, इस साइड भी कोई मुझे झाड़ वाड़ में नहीं मिला। मुझे लगता है अब ये दोनों शायद से रूम में ही छुपे होंगे। चलो गाइस देखते हैं, अंदर रूम में भी चेक कर लेते हैं। रूम के अंदर भी कोई नहीं नजर नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है यार, रूम तो पूरा का पूरा खाली है। लेकिन यार मुझे लगता है इधर कहीं छुपा हो कोई, लेकिन ये क्या, इधर भी कोई नहीं मिला। हे क्या यार, ये सिंचन और जैक भैया आखिरकार गए तो गए कहाँ पे? अरे यार जल्दी मुझे ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले कहीं मुझे धप्पा ना कर दे कहीं से। यार गाइस मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, क्या आप लोग बता सकते हो जैक भैया किधर छुपे? जल्दी से कमेंट के अंदर। हे दोस्तों फाइनली मैं गार्डन साइड में आ गया। मुझे लगता है कि यार बैकयार्ड में इधर कहीं कोई छुपा हो, क्योंकि यार यहाँ बहुत ही बेस्ट जगह छुपने की। ओके गाइस यहाँ भी कोई नहीं छुपा है। चलो यार अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये दोनों गए तो गए कहाँ पे। अरे यार बहुत तेज की सूसू भी आ रहा है मुझे, क्या करूँ मैं क्या करूँ। ऊपर बाथरूम में कौन जाएगा, यही झाड़ में पानी दे देता हूँ, यही ठीक रहेगा। ये सूसू करने का मजा ही कुछ छोड़ो। अरे बाप रे, ओए क्या कर रहा है तू, गीला कर दिया। अरे यार भैया यहाँ क्या कर रहे हो ते? भैया धप्पा पकड़े गए तुम भी। ओए धप्पा नहीं आइस पाइस। ए भैया तुम भी हेलमेट होते तो। गाइस जैक भैया भी मिल गए झाड़ के अंदर, लेकिन अभी तक मुझे सिंचन कहीं नहीं दिखा। ए यार ये क्या गड़बड़ है। चलो यार सारे झाड़ों को मैं चेक कर लेता हूँ, इस झाड़ में भी कोई नहीं मिला। हो सकता है, मुझे लगता है सिंचन कहीं, यार ऐसी जगह कौन सी जगह छुपेगा जहां मैं उसको ढूंढ ना पाऊं। यार मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वैसे मैंने पूरी घर की जगह तो चेक कर ली, जो भी छुपने वाली बढ़िया जगह थी, इसके अलावा सिंचन यार कहाँ छुप सकता है। अरे कहो सिंचन, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार गाइस, ओए मुन्ना टाइम आउट हो गया। ए भैया टाइम आउट हो गया, ओए तू हार चुका है वैसे भी। अरे यार भैया हार नहीं हूँ मैं, बस देखो 2 मिनट और रह गया है। अरे हाँ वही 2 मिनट में क्या कर लेगा, तेरा गेम ओवर। आज मन्ना तू तो पिज्जा का खर्चा देगा। अरे यार भैया ठीक है ये, लेकिन गाइस मैं हार कैसे सकता हूँ, ये सिंचन आखिरकार गाड़ी के अंदर तो नहीं छुप गया। अरे यार गाड़ी में भी नहीं है यार। गेम के रूल्स के हिसाब से घर के अंदर ही छुपना है, घर के बाहर नहीं छुप सकते हैं। तो यार सिंचन इस साइड भी नहीं आया। आखिरकार ये सिंचन छुपा तो छुपा कहाँ पे? वैसे सिंचन बाहर भी नहीं गया और घर को तो मैंने पूरा लगभग चेक ही कर लिया। ओए मुन्ना अब देख 2 मिनट कभी खत्म, ओए आखिरकार तू डिफीट हो गया, चल पिज्जा पार्टी कर अब। अरे भैया ठीक है, चलो ठीक है सिंचन तुम बाहर निकल जाओ यार, मैं हार गया आज। यार मुझे सिंचन ने हरा दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा सिंचन मुझे कैसे हरा सकता है। ओए मुन्ना वो छोड़, पिज्जा की तैयारी कर ले। हे भैया ठीक है, लेकिन ये सिंचन अभी भी क्यों नहीं आ रहा? ओए मुझे क्या पता ये कहाँ गया। अरे यार ये सिंचन आखिरकार कहाँ छुपा है भैया? ओए मुन्ना, अरे ये आखिरकार निकल क्यों नहीं रहा है? अरे भैया एक काम करोगे, तुम तीनों भी घर को चेक करो और मैं भी घर को चेक करता हूँ, पता नहीं सिंचन किसी मुसीबत में ना हो। तो गाइस मैंने छत पे तीसरी बार ये चेक कर लिया और यहाँ भी सिंचन नहीं है। और भैया तुम्हें मिला क्या? ओए मुन्ना नहीं मिल रहा। हे भैया तो सिंचन गया कहाँ पे? ओए मुन्ना, हे भैया ये बताओ तुम दोनों में से लास्ट टाइम सिंचन को किसने कहाँ देखा? ओए मुन्ना मैंने तो इस गेट के सामने ही देखा था। अरे भैया इस गेट के सामने क्या? ओए हाँ इस गेट के पास ही वो लक्कड़ डाल रहा था उसके लॉकर में। अरे यार इसके लॉकर में जो कि यहाँ पे छोटा सा छेद गाइस दिख रहा है दरवाजे में, ओके इसके अंदर लक्कड़ वक्कड़ डाल रहा था सिंचन। ओए सही मैंने देखा, ऐसे कर रहा था, ऐसा लग रहा था दरवाजे को खोलने में लगा हो। अरे यार गाइस अगर ये दरवाजा सिंचन ने खोल दिया और इस दरवाजे के अंदर चले गया तो यार ये तो मुझे भी नहीं पता इसके उधर है क्या आखिरकार। ओए मुन्ना ये तो अभी तक दरवाजा हमने कभी खोला भी नहीं है। अरे हाँ भैया लेकिन ये सिंचन खोल सकता है यार, वो कुछ भी कर सकता है। ओए मुन्ना बात तो तेरी भी ठीक है,
आओ फिर तो उसकी ढाकचुकी ना हो जाए। अरे यार ये दरवाजे के पीछे गाइस हो क्या सकता है, एक छोटा सा रूम मुझे तो यही लगता है। ओके गाइस यहाँ पे एक छोटा सा रूम बना होगा, और क्या हो सकता है इस डोर के पीछे ज्यादा ज्यादा। क्योंकि यार अगर मैं ऐसा एरिया देखूँ तो गाइस यहाँ पे रेयरली चांस भी है कि यहाँ पे एक टनल भी हो सकता है। ओए मुन्ना क्योंकि ये पहाड़ पे हम रहते हैं। अरे हाँ भैया लेकिन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ए सिंचन मेरी आवाज आ रही क्या? अरे यार ये तो लगता है साउंड प्रूफ डोर है भैया। ए गाइस एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, अपना घर है लगभग माउंटेन के ऊपर। अगर यार उस टनल कुछ हो तो यहाँ के इसके नीचे कुछ भी हो सकता है, इस एरिया के नीचे कुछ भी बना हो सकता है और वहां से उसका गेट बना हो। आई थिंक ऐसा कुछ पॉसिबल तो है। लेकिन गाइस ये गेट आखिरकार खुलेगा कैसे? वैसे सिंचन उसी के अंदर ही होगा। ओए मुन्ना अबे करना क्या है? ए भैया मैं ऐसा एक बंदा चाहिए जो कि इस दरवाजे की कीज बना सके, कोई मैकेनिकल टाइप का बंदा भैया। ए भैया जिसको इस डोर की नॉलेज वगैरह हो। ओए मुन्ना मैं एक बंदे को जानता हूँ। ए भैया किसको जानते हो तुम ये दरवाजा जो कि खोल सके? ओए मैं जानता हूँ एक बंदा है जो कि चोरी करता करता मतलब चोरी क्या करता था। अरे भैया चोर को लेके आओगे क्या? ओए नहीं मुन्ना अब तो वो ठीक हो गया वैसे। अच्छा ठीक है वैसे कहाँ मिलेगा, उसका नाम क्या है? ओए उसका नाम है झुनझुनवाला। अरे ये कैसा नाम है झुनझुनवाला, क्या वो झुनझुना हिलाता रहता है क्या? ओए मुन्ना तू बकवास बंद कर पहले, हमें उसको जाना पड़ेगा वहाँ पे, वो चौल में रहता है। अरे यार भैया चौल में, तो चलो गाइस चौल में ही चलते हैं ना, झुनझुन वालों को पकड़ के लाते हैं भैया, वो इसकी कीज बनाएगा उस डोर को खोल देगा, फिर टेंशन ही नहीं भैया। ओए सही कहा, चल फटाफट से चलते हैं। हे बो भैया अगर सिंचन बाहर है तो मुझे कॉल कर देना, बता देना मैं आओ, टेंशन मतलब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ए चलो गाइस हमने बो भैया को यहाँ पे लगा दिया, अगर सिंचन बाहर निकलता तो हमें कॉल करके बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो हमें झुनझुन वाला के पास जाना है। ए भैया आ गए ना? ओए आ गया मैं। मुन्ना वैसे झुनझुन वाला को तू जानता नहीं है, वो एक नंबर का कलाकार बंदा है। अरे हाँ भैया कलाकार तो है, एक नंबर का चोर जो है। ओए नहीं नहीं अब वो चोरी नहीं करता, अब तो ठीक आदमी हो गया, क्योंकि अब वो काम करता है मुन्ना, मेहनत करता है। अच्छा ठीक है गाइस जो भी है। वैसे झुनझुन वाला मिलेगा कहाँ पे, वो चौल वाले एरिया में क्या? ओए मुन्ना सही कहा तूने, चौल वाले एरिया में मिलेगा। लेकिन चल पहले पता करना पड़ेगा वो घर पे है कि नहीं है। ए भैया उसका घर तुम्हें याद है? ओए घर नहीं याद है मुझे, एरिया याद है, फाइनली पहुँच तो गए। ओए वो इसी एरिया में रहता है। अरे यार भैया इसी एरिया में रहता है तो किधर रहता है वो? ओए मुझे नहीं पता, यहाँ लोगों से पूछ ले एक बार, मैं उसके साथ एक दो बार यहाँ पे आया था उसके घर की साइड पे। अच्छा चलो गाइस ऐसा करता हूँ, क्यों ना मैं इन लोगों से पूछ ही लेता हूँ। अबे पागल है क्या? अरे अरे ठीक है सॉरी सॉरी भैया, मुझे जानना है ये झुनझुन वाला कहाँ रहता है। अबे क्या बोला झुनझुन वाला, क्यों झुनझुन वाला टुनटुन वाला, अबे क्या बताना तेरे को, निकाल सौ की पत्ती तब बताएगा मैं तेरे को। अरे बाप रे ये क्या सौ की पत्ती दो मैं बेचारे, ए हट यहाँ से। अरे बाप रे कितने बदतमीज लोग हैं। हाँ ये क्या गाइस अपने ट्रक की बैंड बजा दी इसने। ओए मुन्ना ये तो चोर है यहाँ पे। अरे बाप रे भैया कहाँ लेकर आ गए तुम यहाँ पे, इतने सारे क्रिमिनल घूम रहे। अरे बाप रे दिन दिहाड़े चोरी चकारी हो रही है। ओए मुन्ना उसकी तो वाट लग गई। अरे यार गाइस ये तो बहुत ही बुरा हुआ इस बंदे के साथ में। अच्छा हुआ वैसे मेरे को बता नहीं रहता 100 रुपए की पत्ती लेगा। अबे तेरी भी दिक्कत है क्या? अबे जा रे आ। ए दोस्त इसमें तो एक रैपट बजाया मैंने, चल यहाँ से निकल। छपरी कहीं का? ओए मुन्ना ए दोस्त यार भैया ने मुझे कहीं फंसा दिया वैसे लाके भैया छपरी एरिया में। ओए मुन्ना एक काम कर तू यहीं कहीं रोक यार, यही कोई सा घरता ऐसा कर तू चेक ही कर ले आके। अरे यार भैया कोई ऐसा इंसान देखना है जो कि यार नशे में ना, सस्ते नशे करके सारे के सारे यहाँ पे घूम रहे हैं। ए दोस्तों यार चलो यार गाइस यार यहाँ पे कोई मुझे नजर आ रहा है। हे आंटी क्या झुनझुन वाला को जानती हो आप? अबे आंटी किसको बोला बे, मैं आंटी नहीं हूँ, मैं झुनझुन वाला साइड पे गया और मैं उसकी वाइफ हूँ, बोलो क्या काम है? अरे नहीं नहीं ठीक है कोई काम नहीं है। तो गाइस हमें एड्रेस तो मिल गया है कंस्ट्रक्शन साइट पे। ए ओए मुन्ना क्या पता चला? ए भैया झुनझुन वाला कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है,
ओए मुन्ना, मुझे पता हो कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट पे होगा, समझ गया मैं। ओए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, वहीं पे वो काम कर रहा है। अरे भैया वैसे वो काम क्या करता है? वो क्या ईंट वगैरह जोड़ता है? ओए नहीं, ओए ईंट नहीं जोड़ता, वो बड़ी बड़ी मशीनें चलाता, क्रेन वगैरह टाइप की। अच्छा हाँ, वैसे मैकेनिकल बंदा है ना, इसीलिए वैसी गाड़ियाँ चलाता होगा ना। हाँ ओए मुन्ना सही था, और वो गाड़ी को रिपेयर भी करता है जो खराब हो जाती है। अच्छा चलो गाइस, ये वाली बड़ी साइट लग रही है मुझे, भैया इधर ही होगा वो। ओए मुन्ना यही तो काम करता है। अरे तो भैया पहले क्यों नहीं यही प्ले कैड है? ओए मुझे क्या पता कि यही काम कर रहा है, उसने दूसरे का काम कर लिया, पहले यहीं पे काम करता था, मतलब यहीं कर ही रहा है वो। हाँ ठीक है, चलो गाइस हम पहुँच चुके हैं साइट पे। ए अब हमें झुनझुन वाले को ढूंढना पड़ेगा, आखिरकार वो कहाँ पे होगा। ओए मुन्ना उसके कॉन्ट्रैक्टर से बात कर, वो आखिरकार है कहाँ पे। अच्छा चलो गाइस यार, हमें कॉन्ट्रैक्टर से पूछना पड़ेगा झुनझुन वाला है कहाँ पे। ए उसका नंबर मिल जाता तो कॉल वगैरह भी कर लेते। ए हेलो भाई साहब, मुझे आपसे कोई एक चीज जाननी है। हाँ बोलिए एक सर, क्या हुआ? अरे मुझे जानना है ये झुनझुन वाला है कहाँ पे। अरे सर वो तो ऑन ड्यूटी है, वो ऊपर काम कर रहा है। अरे काम कर रहा है, वैसे मुझे उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, उसको मुझे लेके जाना है साथ में। उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उसका फोन तो ऑफिस में जमा है। ऐसा करो आप क्रेन के ऊपर जाओ, क्रेन में काम कर रहा ऊपर। अरे कौन सी क्रेन में? अरे ये वाली नहीं जो सामने दिख रही है, पीली वाली। अरे गाइस ये क्या पीली वाली क्रेन में काम कर रहा है? हाँ हाँ वहीं पे जाओ, जल्दी बुला लो उसे। अरे गाइस यार ये क्या, ओए मुन्ना तूने ऐसा क्यों बोला, उसकी बीबी का एक्सीडेंट हो गया। अरे भैया तुमने देखा इसका कॉन्ट्रैक्टर कितना खड़ूस है, उसको छुट्टी नहीं देता भैया। ओए बात तो तूने सही कही मुन्ना। ए दोस्तों मैं पीली वाली क्रेन के ऊपर चढ़ना है। अरे ओए मुन्ना संभल के, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी हो सकता, खतरा बहुत ज्यादा रहता है। अरे भैया हाँ यार, फाइनली गाइस हम क्रेन पे आ चुके हैं, और ये क्रेन तो बहुत ही बड़ी है यार, कितनी बड़ी। ओए मुन्ना तू चढ़ जा, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ गाड़ी के पास। ए भैया मुझे पता था तुम ऐसे ही करने वाले हो। गाइस यार ये क्रेन तो कुछ ज्यादा ही लंबी है, इतनी लंबी कि मेरी हवा टाइट होने वाली है चढ़ चढ़ के ऊपर। फाइनली गाइस बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं पहुंचने वाला हूँ यार, मेरे हाथों पैरों में सब जगह दर्द होने लग गया। हाँ लेकिन मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, मुझे सिंचन को बचाना जो है। वैसे सिंचन यार पता नहीं कितनी देर तक वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा उस रूम में, और उस रूम में ऑक्सीजन वगैरह भी है कि नहीं है यार, कुछ भी नहीं पता मुझे यार। वहाँ पे रूम है कि क्या है, या कोई गुफा है, पता नहीं क्या है। ए दोस्तों मुझे सिंचन के लिए लेकिन करना ही पड़ेगा, जान की बाजी लगा देगा ये होगी। हाँ अपने दोस्तों के लिए। अरे ये तो कैबिन खाली पड़ा है। अरे पार क्या? अरे सर आप टेंशन मत लीजिए सर, आपका काम मैं कर दूंगा, बिल्कुल मैं आपकी उधारी भी दे दूंगा सर। अबे कितनी बार तुझे बोला है कि उधारी चुका दिया कर, अब तुझे 2 साल और बढ़ाता हूं तेरा कॉन्ट्रैक्ट। अरे बाप रे ये क्या चल रहा है? अरे अरे रुक जा, तुम कौन हो? अरे मैं जैक का भाई हूँ, मेरा नाम होगी है। अरे हाँ मैंने तुम्हारा नाम सुना है होगी, तुम डरपोक हो ना वही होगी। अरे ये क्या, जैक भैया ने मेरे बारे में ऐसा बता रखा है? हाँ ठीक है यहाँ से जाओ 2 मिनट के लिए। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अरे आज तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, संडे को चलूंगा तुम्हारे साथ, होगी जाओ यहाँ से अब। अरे यार ये क्या गाइस यार, संडे को, लेकिन मुझे तो तुम्हें अभी लेके जाना है। अबे भाग यहाँ से, परेशान कर रहे हम लोगों को, भाग यहाँ से। अरे अरे चलो ना झुनझुन वाला मेरे साथ चलो। अबे ये कौन है झुनझुन वाला, तेरा आदमी इसको लेके जाए से। अरे यार गाइस ऐसे तो झुनझुन वाला जाने वाला नहीं, क्योंकि यार उसकी उधारी बहुत ज्यादा हो चुकी है। और उसका ये जिसकी बिल्डिंग बन रही है, लगता है वो टकला बंदा वही है। अब मैं क्या करूं आखिर। अरे यार ये क्या कर रहे, मुझे छोड़ो। तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, मेरे दोस्त की जान पे बनी है बे टकले, तेरी तो मैं वाट लगा दूंगा, चुपचाप रह यहाँ से। अरे यार मुझे छोड़ो। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे अब नीचे। गाइस मुझे पैराशूट भी चाहिए, और यहाँ पे एक पैराशूट भी रखा, चलो फटाफट से इस पैराशूट के यहाँ से लेते हैं। और झुनझुन वाला अब तुम मेरे साथ चलोगे, ये लो। अरे यार मुझे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं होगी, नहीं तो मैं तो गया आज।
अरे नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। गाइस यार मुझे इससे बढ़िया कोई आइडिया नहीं नजर आया। ये यहाँ से झुंझुन वाले को मैंने पकड़ा और पैराशूट से कूद गया सीधा। ये मुझे कैसे भी करके सिंचन को बचाना है। अरे यार ये क्या, तुम तो डेयर डेविल निकले। अरे मैं डेयर डेविल नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी हूँ, समझ गए ना। चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। अरे संभल के खंबे में मत बढ़ा देना। अरे नहीं नहीं खंबे में नहीं चलेंगे, आराम से यहाँ पे लैंड करेंगे मस्त एकदम यहाँ मट्टी में। फाइनली पहुंच गए। अरे यार ये तो बहुत ही बुरा किया तुमने मेरे साथ में। टेंशन मत लो। अरे मेरा मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। ओए झुंझुन वाला, और बता तेरी लाइफ कैसे चल रही है। अरे यार पहले से बुरी थी और तुमने और बुरी कर दी, अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा मालिक। अरे यार टेंशन मत लो, जितना तुम्हारा कर्ज है ना वो जैक भैया पे कर देंगे। ओए ये कैसे पे कर देगा, अरे मैं कैसे कर दूंगा। अरे भैया चुप रहोगे, जितना भी हो जैक भैया तुम नहीं दोगे। ओए ठीक है 50% दे दूंगा। हाँ ठीक है गाइस, अभी झुंझुन वाला तुम खुश हो ना, 50% भैया पे कर देंगे तुम्हारा जो भी कर्ज है। यार मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। वैसे काम क्या है, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। अरे यार एक बहुत ही पुराना दरवाजा है और उसे खोला है। अरे नहीं नहीं मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। तुमने गलत बंदे को पकड़ लिया फिर तो। अरे यार चोरी नहीं कर रहे, वो हमारे ही घर है जिसका दरवाजा खोलना है। अरे फिर तो तुम पागल हो क्या, चाबी लगा के खोल देना। अरे ये झुंझुन वाला भैया क्या पागल है क्या। हमारे घर का दरवाजा है लेकिन उसकी चाबी ही हमारे पास। अच्छा समझ गया, तुम्हें उसकी नकली चाबी चाहिए या मैं उसको खोलूं। हाँ अभी तुम्हारे दिमाग में आया ना, क्या कहना मैं चाह रहा था। फाइनली झुंझुन वाला, अगर तुमने हमारा काम कर दिया ना तो बहुत ही मजे आ जाएगा। अरे यार टेंशन वाली बात तो है ही, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ अभी। अरे ये क्या, भूलने वाली बात तो करना भी मत। अरे यार लेकिन ये जो दरवाजा तुम मुझे दिखा रहे हो ये तो बहुत ही पुराना है। अरे यार पुराना है। अरे यार ऐसे दरवाजे तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही पुराना है। अरे यार पुराना है तो खोलो ना। अरे यार मैं तो वैसे भी भूल चुका हूँ दरवाजा खोलना, और ये बहुत ही ज्यादा पुराना है तो ये मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूँ तुम्हें कि इसके अंदर है क्या। अच्छा ठीक है चलो यही बता दो यार, दरवाजा तो तुमसे खुला नहीं झुंझुन टुन टुन जो भी है। अरे ये क्या, अभी तुम मेरा नाम भी भूलने लग गए क्योंकि तुम्हारा काम नहीं बना। लेकिन मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, टेंशन मत लो। अरे यार जो मदद करना है जल्दी करो। अरे यार ये देखो यहाँ पे एक होल है, अगर मैं इस होल से डिटेक्ट करूँ अपने मीटर से तो मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है। अच्छा ठीक है जल्दी करो जो करना यार, जैसे हेल्प करनी जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है। यार ठीक है एक तो फ्री में हेल्प भी करवा रहे ऊपर से। फ्री में किसने बोला झुंझुन वाला, 50% तुम्हारा उधार भैया देंगे ना। यार ठीक है ये देखो मेरे पास क्या है। अरे ये क्या है, ये मीटर है क्या। अरे ये कैसा गैजेट है जिसमें हम किसी की डेप्थ जान सकते हैं, ये कितना गहरा है और मैं इससे इसको नापने वाला हूँ। ये देखो डोर पे मैंने लगाया और डोर से पता चला ये तो ये क्या। अरे वाह ये तो कुछ ज्यादा गहरा दिखा रहा है। अरे यार क्या गहरा दिखा रहा है। अरे इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा, जैसे लग रहा कुछ बहुत ही बड़ा। ओए क्या बड़ा बड़ा कर रहा है। ए यार ये झुंझुन वाला भैया लगता है पागल हो गया है क्या। अरे कहाँ जा रहा है। अरे यार इसके अंदर तो पूरा का पूरा एक घर हो सकता है और मेंशन भी हो सकता है। अरे बाप रे इतने से दरवाजे के पीछे पूरा घर कहाँ से आ जाएगा, पागल हो गए क्या तुम। अरे मेरी बात को मानो, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जगह है और यही बस मैं बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है चलो गाइस, यार इसने तो अपना काम कर दिया। हाँ ये तो पता चले इसके पीछे बहुत ही ज्यादा जगह है और कंफर्म भी हो गया कि सिंचन गाइस इसी के अंदर है। और सिंचन की रेडिएशन तुम्हें मिली क्या। अरे हाँ मुझे एक वॉर्म भी मिल रहा था अंदर, जैसे कोई चीज जिंदा घूम रही है। हाँ घूम रही है तो गाइस वो सिंचन ही होगा। तो चलो ठीक है झुंझुन वाला, तुम्हारा काम हो गया, तुम जा सकते हो। ये चल ठीक है और जैक मैं जा रहा हूँ। ओए तो जाना। अरे ये क्या, ओके तुम लोग तो मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे तो मैं ही बोल देता हूँ वेलकम वेलकम। ये चलो चलता हूँ। हे दोस्तों ये झुंझुन वाला ने बताया कि इसके अंदर
बहुत ही बड़ा यार जगह है, तो गाइस क्यों ना मैं इसे पिस्टल से लॉक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब हम इस दरवाजे को खोलने की नहीं सीधा तोड़ने की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि यार ये दरवाजा खुलने वाला नहीं है। इसकी चाबी अब नहीं मिल सकती क्योंकि ये बहुत ही पुराना दरवाजा है। तो गाइस अब हमारे पास को तोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं पिस्टल से इस दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओए मुन्ने पिस्टल से नहीं टूटेगा, मुझे पता किससे टूटेगा। अरे यार भैया चुप रहोगे। गाइस यार मैंने इसे पिस्टल से छेद कर दिया लेकिन इस दरवाजे को फिर भी कुछ नहीं हुआ। ओए मुन्ना अब मैं दिखाता हूँ इसे दरवाजे को किससे उड़ाना है। ओए ये ले मशीन गन। अरे बाप रे मशीन गन भैया कहाँ लेके जा रहे हो। ओए इस दरवाजे को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ओए गड्ढा कर दूंगा। अरे बाप रे भैया मशीन गन चला रहे हो, नहीं इस बार तो दरवाजा गई। ओए ये ले, ये दरवाजा तो टूट के ही रहेगा। मुन्ना मेरी मशीन गन से कोई नहीं बच सकता है। ओए भून दूंगा सबको। अरे भैया भून रहे हो। अरे बाप रे भैया दरवाजा लगते टूट गया अभी। ओए इसको चकनाचूर कर दूंगा। ये ले ये तो गया। अरे बहुत ही बढ़िया भैया तोड़ दिया तुमने, ऑलमोस्ट डन हो गया भैया दरवाजा। ओए ठीक है मुन्ना अब देख मैं इस दरवाजे को कैसे खोलता हूँ। ए भैया लगता है दरवाजा खुल गया। ओए ये ले, अरे बाप रे ये क्या, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। ए भैया ये दरवाजा टूटा नहीं क्या। ए ओए नहीं टूटा यार, ये कैसे हो सकता है। आओ ढक्कन की अब मुझे पता है इस दरवाजे को कैसे मैं तोड़ूंगा फोड़ूंगा, अब तो मैं फोड़ दूंगा इसको। ये ले मेरे पास आरपीजी है। अरे बाप भैया ढंग से फोड़ना, कहीं घड़ी मत तोड़ देना। आओ टेंशन मत ले, दरवाजे पे पक्का निशाना लगा के उड़ा दूंगा। ए लेकिन बाप भैया मुझे लगता है दरवाजे को कुछ भी नहीं हो रहा है। आओ ये क्या ढक्कन की, ये दरवाजा है कि क्या है जो कि टूटता ही नहीं। आओ ये ले, अरे ये क्या गरम गरम लग गया नीचे। अरे बो भैया वहाँ पे आग जल रही थी, उस पे चढ़ोगे तो गरम गरम लगेगा ना। आओ अब क्या करे होगी। अरे अरे यार गाइस हम तो थक गए, हमने सारे हथियार इस पे चला लिए, बॉम्ब से लेकर सब कुछ फोड़ फाड़ के देख लिया, लेकिन ये दरवाजा बना किससे जो कि टूटता ही नहीं। भैया ये दरवाजा पुराने जमाने का, लेकिन इतना हाईटेक कैसे है भैया समझ नहीं आ रहा मुझे, और इस दरवाजा इतना मजबूत कैसे है। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग। अरे ये कूड़े वाले नीचे क्या करने आ गया। अरे मैं कूड़ा लेने आया था, लेकिन मैंने धमाके की आवाज़ सुनी तो नीचे देखने आ गया कि और भी कूड़ा मिलेगा क्या। अरे क्या बात कर रहा है। अरे मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली, तुम एक दरवाजा तोड़ने में लगे हो ना, ये दरवाजा पता है कि बहुत ही पुराना है। मेरे पापा लेकर आए थे कबाड़े में एक बार ऐसा दरवाजा जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत था। अरे यार तो ये बताओ ये खुलता कैसे है। अरे इस दरवाजे की तो चाबी नहीं आती है, अब ये बंद हो चुका है, वैसे भी इसको खोला नहीं फोड़ा जा सकता है बस। अरे तो हमने बहुत ही ज्यादा बॉम्ब लगा के फोड़ के देखा नहीं टूटा। अरे तुम एडवांस बॉम्ब यूज नहीं कर रहे हो जो कि इसको तोड़ने के लिए बहुत ही सही रहता है। अरे कौन सा एडवांस बॉम्ब। अरे हमारे पास कवाड़े में आते रहते हैं एडवांस बॉम्ब, वो एडवांस बॉम्ब बहुत ही बड़े होते हैं और वो इस दरवाजे को बड़े प्यार से तोड़ सकते हैं। अच्छा वो बॉम्ब हमें कहाँ मिलेगा। अरे वो बॉम्ब तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, मुझे बस $1,000 दे देना। अरे यार $1,000 कुछ कम नहीं होगा क्या। ठीक है $500 दे देना, इससे नीचे तो मैं मानूंगा भी नहीं। अच्छा ठीक है, वैसे यहाँ कहाँ तुम लेकर आ रहे हो। अरे यार वो बॉम्ब को मैंने ऑलरेडी बेच दिया था $400 में। अरे तो उस बंदे को $400 में बेच दिया था, फिर वो बंदा देगा कि नहीं। अरे अरे मैं उसको दे दूंगा $50 वाला एक्स्ट्रा और मैं उससे खरीद लूंगा दोबारा वो बॉम्ब, टेंशन मत लो। अरे यार वो तो मैं भी खरीद सकता हूँ उससे डायरेक्ट। अरे तो तुम्हें बताया तो मैंने है ना, तो इधर आओ पहले मैं खरीदूंगा फिर तुम्हें बेचूंगा। अच्छा ठीक है। क्या हुआ वैसे बे। अरे ये तो बेच ही नहीं रहा है। अरे यार क्या बेच नहीं रहा। अरे ये बॉम्ब नहीं बेच रहा हमें। अच्छा ये कौन है, अबे चाइनी चीनी। ए ये बॉम्ब है कि बॉम्ब का पप्पा। बाप रे बाप इतना बड़ा। अबे टकले ये बॉम्ब हमें दे दे आराम से, नहीं तो टकला बचा दूंगा। ए समझ गया ना। च्याँ च्याँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बॉम्ब ले आ सकते हो। गाइस इसको छोड़ना नहीं।
अरे बाप रे, इसकी आवाज कैसी है? अबे ये चाय चीनी पीटेगा क्या? मान जा मेरी बातों को, नहीं तो अभी तेरा मैं टकला फोड़ दूंगा। और ये तेरे ए अबे एक एक पसली के ये ले मुक्का खा। ये मुझे मारेगा, इसको भी उड़ा दिया मैंने। अबे तू मारेगा क्या? हटे, चल निकल यहाँ से। अभी बोल टकले, बॉम्ब देता है कि नहीं देता? ये तुझमें भी एक लाफा दूं? ठीक है ठीक है, ले जाओ। अरे देखा ना दोस्तों, एक दो फटका पड़ा तो आराम से इसने बंदे ने बॉम्ब दे दिया। तो चलो चलते हैं बॉम्ब लेके घर पे। ये फाइनली गाइस बॉम्ब लेकर हम आ चुके और हमने बॉम्ब को फिट भी कर दिया दरवाजे पे। ओए मुन्ना, ये बॉम्ब घर को ही ना फोड़ दे। अरे भैया घर को फोड़ेगा नहीं, लेकिन गाइस अब हमें जल्दी से छुपना पड़ेगा। मेरे पास भैया, ओए मुन्ना, बाप रे बाप इतना बड़ा बॉम्ब, अरे फटने लगा। ए भैया जल्दी से स्विमिंग पूल में कूद जाओ। ये गाइस बॉम्ब के रेडिएशन पानी में कम लगते हैं। फाइनली मैं तो स्विमिंग पूल में आ गया और ये दोनों पता नहीं कहाँ गए। ओए मुन्ना, पूरे घर में आग सी लग गई है, ओए जल्दी से बुझा। ए दोस्तों, ये बॉम्ब तो फट गया लेकिन इसने दरवाजे को भी तोड़ दिया है। दरवाजे के तोड़ने के बाद गाइस घर की भी हालत पंचर हो गई, पूरा घर ही हिल गया था, इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ था। यार देर होना, पूरा गमला समला सब उड़ गया मेरे इधर का। इस पे मारूंगा हर जगह ये फायर एक्सटिंगसर। और गाइस यहाँ पे मस्त तरीके से दरवाजा तो टूट चुका है। ओए मुन्ना चल अंदर चलते हैं। अरे क्या कर रहा है? ए तुम दोनों को भी मार देता हूँ गैस भैया, ताकि आग ना लगे। ए ओए बहुत बकवास हो गई मुन्ना, जल्दी चल। अरे यार गाइस घर की तो वाट लग गई पूरी तरीके से, ये देर पूरा चटक चुका इधर उधर। अरे यार हमें इसे रिपेयर करवाना पड़ेगा। और गाइस चलो चलते अब सिंचैन से मिलने के लिए। भैया बहुत ही ज्यादा अंधेरा दिख रहा है मुझे। ओए मुन्ना चल, हम भी तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ए ठीक है गाइस, चलो फटाफट से अब हम चलेंगे अंदर, देखते हैं इस डोर के अंदर आखिरकार है क्या। ए भैया ये कहाँ पे आ गए? ओए मुन्ना ये क्या है? अरे बाप रे इतनी सारी जगह थी। अरे भैया वहाँ पे तीन रास्ते थे अंदर, और एक रास्ते में मैं इधर आ गया और दो पता नहीं कहाँ जा रहे थे। ओए मतलब कि टनल सी थी ना मुन्ना। ओए मुन्ना यहाँ पे तो एक से बढ़कर एक ड्रिंक रखी है। अरे भैया ड्रिंक छोड़ो, ये बहुत ही पुराना बना हुआ है जैसे मुझे लग रहा है, और इसके अंदर कितनी गंदगी है। और ये क्या है? अरे बाप रे ये संडास है यहाँ पे। आओ डाकुच की माँ भी आ गया। अरे तुम दोनों हटोगे यहाँ से, रास्ते ब्लॉक कर दे रहे पूरा। ओए मुन्ना ये तो लग रहा कोई सीक्रेट बंकर की तरह। अरे हाँ भैया यहाँ पे ऐसा लग रहा कोई बाइकर या कोई आर्मी वाला बंदा जैसे रहता हो। मतलब कि रहता होगा उसने बनाया होगा सीक्रेट ऐसा। ओए मुन्ना लेकिन हमें सिंचन नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ पे है? अरे यार सिंचन कहाँ पे गाइस, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और ये कोई खेलने वाली जगह होगी शायद से, यहाँ पे खेलने या कोई प्लान बनाने की जगह है। ओए जो भी हो लेकिन हमें सिंचन को ढूंढना है जल्दी। अरे हाँ यार सिंचन को ढूंढना है, चलो गाइस यार। अरे ये क्या? अरे सिंचन, अरे सिंचन रोना बंद करो भाई, हम तुझे बचाने के लिए आ गए। अरे अरे की भैया ये तुम हो क्या, ये मैं सपना देख रहा हूँ? अरे नहीं सपना नहीं देख रहे, हम हकीकत में आ गए तुम्हें बचाने के लिए। अरे अरे की भैया मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा। क्या बात है, तुम लोग मुझे बचाने के लिए आ गए। अरे यार सिंचन वैसे तुमने मुझे गेम में तो हरा ही दिया, क्या बात है। पिज्जा छोड़ो, मेरी तो जान बची, मुझे लगा मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा। अरे हाँ ठीक है कोई टेंशन नहीं सिंचन, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो टेंशन वाली क्या ही बात है। ये